हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सेंट एनजा वीवा दट सिको साइंस ऑफ लिविंग दिस दुकेटर सुगन शर्मा सो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर पार्ट वन में हमने डील किया था प्रोटीन्स के बारे में व्हाट दे आर और किस किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं उनका सारा बेसिक्स देखा था आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर तो प्राइमरी में अगर हम देखें तो प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर जस्ट कि इसमें क्या होते हैं सिंपल हमारे अमाइनो एसिड लिंक्ड होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू Uh, कोई भी दो अमाइनो एसिड्स जो लिंक होंगे विद द रिमूवल ऑफ वाटर इनके बीच में क्या बनेगा पैप्टाइड के थ्रू तो यही हमारा क्या हो जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर हो जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर कैन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स सर्कुलराइज भी हो सकता है वो कैसे लीनियर फॉर्म में जर्नली क्या होगा हमारे एन एनओ सी टर्मिनल आर फ्री अगर हम uh, इस चेन को ऑब्जर्व करें जो यहाँ पे डायग्राम में है कि इसमें क्या है कोई भी अमाइनो हम सपोज ले लेते हैं कि यहाँ पर पांच अमाइनो एसिड लिंक है थ्रू अ पेप्टाइड बॉन्ड तो यहाँ पर क्या है इसका एन टर्मिनस फ्री है एक अमाइनो एसिड का और जो लास्ट वाला अमाइनो एसिड है उसका सी टर्मिनस फ्री है तो ये क्या है इसके इसमें हमेशा लीनियर में हमें क्या मिलेंगे क्योंकि इनके टर्मिनल्स एंड हमेशा फ्री होंगे वो कितना ही लंबा पेप्टाइड हो यहाँ पे हमने जस्ट एग्जांपल लिया है फाइव अमाइनो एसिड्स का तो उसमें हमेशा क्या रहेंगे लीनियर फॉर्म में हमेशा एनओ सी टर्मिनल फ्री रहेंगे तो हमेशा लीनियर फॉर्म में क्या होगा जितने हमारे अमाइनो एसिड नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं उससे एक कम हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे क्योंकि इसके एन और सी टर्मिनस फ्री हैं तो जितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होंगे सपोज यहाँ पर फाइव है तो हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड कितने बनेंगे फोर एन माइनस वन इन केस ऑफ अगर हम देखें सर्कुलर स्ट्रक्चर में सर्कुलराइज स्ट्रक्चर में ऑलवेज हमारा क्या होगा कि एन टर्मिनस एंड सी टर्मिनस आर एन बाउंडेड फॉर्म ये हमेशा बाउंडेड होंगे हमने ये क्या किया इसी पैप्टाइड चेन को लेकर हमने क्या कर दिया यहाँ पर भी एक पैप्टाइड बाउंड फॉर्म कर दिया तो हमेशा इसमें क्या होगा सर्कुलर सर्कुलराइज जो हमारा लीनियर uh, uh, जो हमारा पैप्टाइड है उसमें हमेशा क्या होगा कि अमाइनो एसिड जितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होंगे उतने ही हमारे क्या होंगे पैप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा अब इसमें क्या होता है कि इसी बेसिस पे क्या किए जाते हैं क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सिंपल हमने क्या किया कि जो हमारा मो uh, वेट ले लेते हैं एक सिंपल एक अमाइनो एसिड्स का जो हमेशा क्या है फ्री फॉर्म में अभी बाउंडेड फॉर्म में नहीं है उसने किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं किया तो ऑन एन एवरेज ये कितना लिया जाता है वन ट्वेंटी सेवन जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उसमें क्या करते हैं तीन स्ट्रक्चर तो सिमिलर uh, ही रहते हैं आर चेन वेरी करती है तो उन चार आर चेन के बेसिस पे हमने क्या कर दिया सारे जितने भी अमाइनो एसिड थे उनके मोलिकुलर वेट का एवरेज ले लिया तो वो क्या आया वन टू सेवन अब वन टू सेवन है ये जब ये फ्री फॉर्म में है बट जब ये बाउंडेड फॉर्म में होगा किसी भी दूसरे अमाइनो एसिड्स के साथ तो हमेशा क्या करेगा हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर के थ्रू इसमें से क्या हो जाएगा इसका मोलिकुलर वेट कुछ कम हो जाएगा तो हम हमेशा उसमें से क्या कर देते हैं 18 मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर माइनस कर देते हैं तो जो जर्नल हम देखते हैं सर्कुलराइज फॉर्म में क्योंकि सर्कुलराइज फॉर्म में हमारा क्या है जितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं उतने ही हमारे क्या है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हुए हैं तो हमारे वाटर रिमूवल भी उतने ही होंगे तो उसमें जर्नली क्या लिया जाता है जितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वन अमाइनो एसिड जो हम एवरेज लेते हैं वो क्वेश्चन में किया गिवन भी हो सकता है या फिर डिफॉल्ट केस में हम क्या लेते हैं वन टू सेवन लेते हैं वन टू सेवन डाल्टन तो उसमें से हम क्या करेंगे हमेशा सर्कुलर के केस में जितने नंबर ऑफ हम क्योंकि देख चुके हैं कि जितने सर्कुलर uh, के में अमाइनो एसिड्स होते हैं उतना ही क्या होता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो उतने हम क्या करेंगे माइनस करेंगे क्योंकि हमें क्या है सिंगल uh, चेन के बारे में अभी हमने बात की है कि uh, ये जो दो अमाइनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा उसमें क्या होगा बॉन्ड फॉर्म हुए ही कैसे रहा है वाटर रिमूवल के थ्रू पर जो हम एवरेज ले रहे हैं वो फ्री फॉर्म का ले रहे हैं वन टू सेवन तो हमें जब ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है इतना जो वाटर का हमारा मोलिकुलर वेट है एटीन वो माइनस करना पड़ेगा तब हमारा एक्यूरेट रीडिंग आएगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे सर्कुलर के केस में उतना ही माइनस करेंगे बट लीनियर के केस में क्योंकि क्या होता है कि हमेशा एक पैप्टाइड बॉन्ड कम फॉर्म होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा लास्ट में इतना ये सर्कुलर का निकालने के बाद उसमें हमें क्या करना पड़ेगा 18 प्लस करना पड़ेगा टू गेट दी मोलिकुलर वेट ऑफ लीनियर पैप्टाइट जितने भी अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है क्वेश्चन के फॉर्म में अगर इसको देखें अगर हमारा पेप्टाइड है मिक्सचर भी हो सकता है उसमें अमाइनो एसिड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोलिकुलर वेट के हो सकते हैं सपोज जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई मोलिकुलर वेट वन एट एट डाल्टन के कितने हैं अमाइनो एसिड्स हमारे टेन रेसिड्यूज हैं और अमाइनो एसिड टू जो कि वन फिफ्टी एट डाल्टन का है उसमें हमारे कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं टेन एंड देन थ्री वाले केस में हमारे क्या है वन थर्टी एट डाल्टन का जो मोलिकुलर वेट का अमाइनो एसिड्स हैं उसके नंबर कितने हैं फाइव तो ये पूरी क्या बना रहे हैं चेन तो अगर हम इसमें देखें कि सर्कुलर और लीनियर के केस में कैसे वेरी करेगा मोलिकुलर वेट तो आ, पहले हम सर्कुलर का निकाल लेते हैं क्योंकि सर्कुलर के बाद हमें जस्ट एटीन प्लस करना होता है तो मोलिकुलर वेट ऑफ वन अमाइनो एसिड हमने क्या लिया है एक तरह के अमाइनो एसिड कितने हैं नंबर में और मोलिकुलर वेट उनका एन माइनस एटीन इसी तरह से सेकेंड के केस में लेंगे सेकेंड जो अमाइन टाइप के अमाइनो एसिड है उनका मोलिकुलर वेट मल्टीप्लाई बाय माइनस एटी तो इस तरह से हम जब निकालेंगे तीनों का ऑन एन एवरेज हमारा कितना आ जाएगा थर्टी सेवन हंड्रेड क्योंकि ये क्या आया है सर्कुलर के केस में है हमने क्या किए जितने अमाइनो एसिड्स थे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाटर के रिमूव कर दिए हैं बट अगर हमें लीनियर का लेना है क्योंकि लीनियर में हमेशा एक पेप्टाइड बॉन्ड कम बनेगा जितने हमारे अमाइनो एसिड्स होंगे क्योंकि इसमें एन और सी टर्मिनल फ्री होते हैं तो हम क्या करेंगे एक मॉलिक्यूल वाटर का ऐड करेंगे तब हमारा क्या आ जाएगा इन केस ऑफ लीनर तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोई भी हमें गिवन चेन है पॉलीपेप्टाइड उसमें अगर अलग अलग अमाइनो एसिड्स हैं तो उनके मॉलिक्यूलर वेट हम ले सकते हैं इन केस क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम डिफॉल्ट केस क्या लेते हैं वन टू सेवन डालडन so that was all about the today's video if you like hit the subscribe button and share with your friends thank you